तुम्हें धागे नहीं दिए हैं? उनके अलावा है ही कौन मेरा? मेरे बॉयफ्रेंड से सारी चीजें छीन छीन के ले आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है? सीधे मैं ये ड्रेस फाड़ दूंगी यहीं की यहीं। हे हाय एवरीवन, यार तुम सबको तो पता है जब मैं शांत होती हूँ तो पता नहीं क्या मेरी दीदी के सर पे भूत चढ़ जाता है कि वो मुझे परेशान करने पे तुल जाती हैं। उन्होंने मेरी ना जूती काट दी है, लेकिन मैंने ना हार नहीं मानना है। मैंने ना कुछ इतने तगड़े प्लान्स बनाए हुए हैं ना कि दीदी जल भुन के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप वीडियो को देखो और टाटा। हाय, आ गई तुम? हाँ मैं आगे, क्या हुआ एकदम से? क्यों बुलाया? यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूँ और मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ ना। मेरे दिल में बातें छुपी हैं, मैं चाहती हूँ मैं अपनी प्यारी सी बहन को सब बताऊँ। बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वो वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना। देखो मैं नहीं देने वाली तुम्हें पैसे, क्योंकि मैंने योगी के लिए ना बहुत कुछ प्लान कर रखा है, तो मैं बिल्कुल भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं। ठीक है, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, वो तो मेरे ऊपर पैसे खर्चने वाले ही बहुत हैं। अच्छा अब बताओ। अच्छा देखो, ये ड्रेस देखो कैसी लग रही है। ये ड्रेस देखो कैसी लग रही है। यस, अरे ड्रेस है तो बड़ी प्यारी। जीजू इतने अच्छे हैं कि वैलेंटाइंस डे आया नहीं है, वो मेरे को प्री वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दे रहे हैं। मैं बस सोच रही हूँ कि मैं इसे किस डे पे पहनूं या फिर धागे पे। उनके अलावा है ही कौन मेरा? छोटी, तो मैं आयुष को गिफ्ट करना चाहती हूं, राइट? तो हाँ, तुम आयुष को बीच में ले आओ, मेरे अच्छे खासे मूड की ऐसी तैसी कर दो। मतलब आयुष के बीच में आने से तुम्हारी ऐसी तैसी होती है, ये बात मैं जरूर बताऊंगी। अरे तुम पागल हो यार, आयुष मेरे सेपरेट पर्सनल बॉयफ्रेंड है, मैं उसको ऐसे बीच में इंटरमिक्स नहीं करना चाहती। पर जीजू भी तो मेरे। ये तुम्हें योगी ने दिए हाँ या नहीं? दिखाओ तो। हाँ दिए, और मैं इसे अपने गले से लगा के रखूंगी। हाय कपटी, मेरे बॉयफ्रेंड से तुम्हें मैंने कितनी बार कहा चीजें मत लिया करो, तो वो मुझे दे देते हैं तो मैं ले लेती हूँ। मुझे मत मारो, मुझे हर्ट हो रहा है। तुम मना नहीं कर सकती क्या? हर बार मेरे बॉयफ्रेंड में घुसना तुम्हें जरूरी है? यार वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो ऑब्वियसली उनका प्यार मेरे लिए, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो उसका प्यार तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए होना चाहिए, राइट? वो मैं गर्लफ्रेंड हूं, तुम नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तुम्हें पूछना चाहिए ऐसा क्यों है। मैं तो बड़ी खुश हूँ पर उनके साथ रिलेशन में। ज्योति मैं थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। मुझे क्यों मारोगी? और किसे मारूंगी? हाँ दो इधर से, मेरे बॉयफ्रेंड से सारी चीजें, मेरी इसी की सारी चीजें छीन छीन के ले आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है मुझसे? तुम इतनी बड़ी हो गई है, तुम्हें कुछ डिसिप्लिन नहीं है? मुझसे लड़ती रहोगी? तुम बड़ी बहन हो, तुम इसे तमीजदार रहो, थोड़ा कम बोलो। चुप रहो, समझ गई? यार तुम इतनी हार्मफुल लड़की हो ना, इतनी हार्मफुल। तुम चुप रहो यार, तुमने ना बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। वैलेंटाइंस वीक में भी मुझे शांति से मत जी लेने देना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। आया का है, मैं वही तो बता रही हूँ, वो प्री गिफ्ट्स दे रहे हैं यार। हाउ रोमांटिक ही इज, लाइक तुम्हारी पसंद पे मुझे नाज होता है, पर काश कि वो पूरी। इससे आगे मत बोलना, मैं थप्पड़ मार के बेहोश कर दूंगी तुम्हें। दे दो अब, चलो। नहीं मिलेगी ये ड्रेस तुम्हें, ये मेरी है, समझी? और इस ड्रेस की तरफ ना तुम आके उठा के भी यार मत मुझे ना तुम्हारे हिसाब किताब समझ नहीं आता है। जीजू इतने प्यार से मुझे चीजें देंगी, तुम ले लोगी? यार तुम जीजू पे तो कंट्रोल कर नहीं पाती, मेरी चीजें खींच। मुझे पता ही, उसी ने मेरे लिए लिया था, ठीक है? उन्होंने मुझे दिया है और मैं इसे, देखो बस मुझे डेट बता दो कौन सी वाले डे पे पहनूं। तुम इसे नहीं पहन सकती क्योंकि अभी मेरी है और इसे पहन के मैं जाऊंगी उसके पास, समझ के? वो कितना एम्बैरस फील करेंगे कि उन्होंने अपनी प्यारी सी साली को दिया और उनकी बिल्कुल ऐसे राम से। क्या क्या ऐसे क्या क्या ऐसे ऐसे क्या हाँ मारा था तुमने भी अभी? मैंने कहा कि मेरी ऐसे नकचिड़ी सी गर्लफ्रेंड पहन लेगी। हाँ तो सीधी मैं ये ड्रेस फाड़ दूंगी यहीं की यहीं, या तो ये ड्रेस मैं पहनूंगी वरना ये ड्रेस ही नहीं रहेगी। मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहती हूँ और जिस दिन मैं जीत गई ना, मैं उस दिन तुम्हारी ऐसे कर दूंगी। तुम कितनी बुरी अब हो गई, तुम्हारे जो सपने हैं ना देख लो, मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ो तुम सबसे पहले, ये ड्रेस ना मेरी रहेगी, समझ गई तुम? ड्रेस एक ही घर में अभी रखोगी ना, फोन करके बोलती एक ही घर में रखोगी ना, मैं भी वही रहती हूँ और पहन लूंगी, तुम कर लो जो इसे पहन के मैं जाऊंगी और फिर उसके बाद इसे जला दूंगी। इसे पहन के जाऊंगी नैने नैने कुछ भी मैं ना, मैं इसे ड्रेस ठीक है। अच्छा थैंक यू, बाय, लव यू। यार बेचारी मेरी बहन इतनी जल गई, जलते जलते उसने मुझे ड्रेस ही दोबारा वापस कर दी। कहती भैया मैं तो परेशान हूँ तुझसे, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे ना चैन नहीं आता जब तक मैं उसे इतना चिढ़ाऊँ ना। ये तुम तो समझते ही हो ना। मिलते हैं आपको, चाचा बाय।